ट्रेंड जॉब सर्च अप चले में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड मुंबई की तरफ से ग्रुप सी की परमानेंट भर्ती आपकी आउट हो चुकी है। कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसमें फायरमैन, ड्राइवर, चौकीदार, प्योन, लेबर, टर्नर, फिटर, लश्कर और अन्य पदों पर वैकेंसीज आपकी जारी की गई हैं। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसका ऑफलाइन फॉर्म आपका अप्लाई होगा, जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमानेंट ये भर्ती रहेंगी, जैसे कि आर्मी ग्रुप सी, नेवी ग्रुप सी, एयरफोर्स ग्रुप सी, उसी प्रकार कोस्ट गार्ड ग्रुप सी की ये भर्ती आपकी रहती है, जिसमें पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट एग्लेबल हैं, इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना। ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, पूरी जानकारी के तहत आपको टेलीग्राम ग्रुप पर एप्लीकेशन फॉर्म या नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट की तरफ से, मुंबई की तरफ से ये वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि आपको आपके न्यूज़ पेपर में, आपके लेटेस्ट न्यूज़ पेपर, आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर है, उसमें आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिससे सैटरडे के दिन से आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप होना है और किस प्रकार से आपका उसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन में जो दी गई है वैकेंसीज की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंजन ड्राइवर के लिए 4 पोस्ट आपकी रखी गई हैं, जिसमें UR के लिए 2 पोस्ट हैं, ST के लिए 1 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। इसमें आपके लेवल 4 की पोस्ट रहेंगी, जो कि आप 10th पास के साथ डिप्लोमा आपका फायर इंजन ड्राइवर से किया है, तो आप कैंडिडेट के लिए इसमें अवेलेबल रहेंगे। सारण लश्कर के लिए भी आपकी एक पोस्ट है, जो कि EWS कैंडिडेट के लिए लेवल 4 की पोस्ट रहेगी। इसमें 25,500 आपका बेसिक रहेगा और परमानेंट ये वैकेंसीज आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत ये वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपका साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका लश्कर से संबंधित मांगा जाता है। इसके बाद में लश्कर के बहुत शानदार पोस्ट हैं, 7 पोस्ट रखी गई हैं। इसमें OBC के लिए 2 पोस्ट हैं, अदर के लिए 3 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें आपका 10वीं पास और आपका संबंधित बोर्ड का 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाता है। बोर्ड चलाने से संबंधित से आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आप रखते हैं, तो आप इसमें 7 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है, जो कि EWS के लिए लेवल 3 की पोस्ट है, जिसमें आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 10वीं पास और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो यहाँ पे आप। नेक्स्ट पोस्ट आपकी फायरमैन की है, फायरमैन की 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है, UR की 2 पोस्ट हैं, 2 OBC की पोस्ट हैं, लेवल 2 की ये पदों पर वैकेंसी जारी रहने वाली है, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज होंगी 10वीं पास वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन हाइट आपकी 170 होनी चाहिए और साथ में वेट वगैरह भी आपका मांगा जाता है, इसमें फिजिकल आपका करवाया जाएगा। CMDT ऑर्डिनरी ग्रेड जो भी ड्राइवर पोस्ट के लिए 10 पदों पर बहुत ही शानदार पोस्ट आपकी आउट की गई है, जिसमें SC की 1 पोस्ट है, ST की 1, OBC की 2, UR के लिए 4, EWS के लिए 2। इसमें 10वीं पास प्लस 2 साल का हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 2 साल का चाहे लाइट लाइसेंस से भी है तो भी आपका मान्य होगा, और इसमें 2 लेवल 2 की ये पदों पर वैकेंसीज रहेंगी। बहुत ही शानदार मौका है, 10 पदों पर इस बार वैकेंसीज रहने वाली हैं। MTS प्योन की वैकेंसीज हैं, 1 EWS के लिए, जो कि आपके लेवल 1 की पोस्ट रहेगी, जिसमें 10वीं पास और संबंधित आपका ऑफिस अटेंडेंट का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो कहीं से भी आप स्कूल से या किसी भी ऑफिस से 1 साल का एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। MTS चौकीदार के 2 पदों पर वैकेंसीज है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट रखी गई है, जिसमें 10वीं पास और संबंधित 1 साल का अनुभव मांगा जाता है, तो आप कहीं से भी चौकीदार वगैरह या वॉचमैन का एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। MTA फिटर के लिए 2 पोस्ट हैं, जो कि EWS के लिए 1, OBC की 1, लेवल 2 के पदों पर ये वैकेंसीज रहेगी, जिसमें 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे संबंधित किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप बनवा सकते हैं। इसके बाद में फ्रॉक लिफ्टर ऑपरेटर की 1 पोस्ट है, जो कि UR के लिए रहने वाली है, लेवल 2 की आपकी ये वैकेंसीज रहेगी, जिसमें 10वीं पास और संबंधित आपके पास अनुभव होना चाहिए। सेमी स्किल्ड लेबर के लिए 2 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1, जनरल के लिए 1, लेवल 1 की पोस्ट रहेगी, जिसमें 10वीं पास और संबंधित लेबर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल वेरिफिकेशन होता है, आप जैसे कि आप वेरिफिकेशन के लिए बनवाते हैं, तो वहाँ बस इतना होना चाहिए कि आपके पास जब भी वेरिफिकेशन के लिए आए तो वो वेरिफिकेशन करके सेंड कर दे, इतना ही होना चाहिए। ऐसा और कोई भी आपका पे स्लिप वगैरह या किसी भी प्रकार की मोबाइल जब भी आपके अकाउंट में डिटेल्स वगैरह नहीं मांगी जाती है, तो आप अगर नॉर्मली आपका एक्सपीरियंस बनवा सकते
सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरिट बहुत कम रहेगी जिससे भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है। इसकी वजह से आपको ज़रूर अप्लाई करना है। टर्नर के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए लेवल टू के पदों पर, तो ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। इसमें भी 10वीं पास और संबंधित 1 साल का अनुभव होना चाहिए, या आपके पास टर्नर से संबंधित ITI आपके पास होनी चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट सैटरडे से पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म और पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। कोस्ट गार्ड की सभी वैकेंसीज में लगभग एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो एक्सपीरियंस नॉर्मल आप बनवा सकते हैं। एक्सपीरियंस में किसी भी प्रकार की पे स्लिप वगैरह, अकाउंट डिटेल्स वगैरह नहीं मांगी जाती है। नॉर्मल आपका वेरिफिकेशन हो जाए ऐसा एक्सपीरियंस बनवा लीजिए। आराम से आप कहीं से भी इंस्टीट्यूट या किसी भी स्कूल, किसी भी वर्कशॉप वगैरह से एक्सपीरियंस बनवाते हैं तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये वैकेंसीज के लिए, इस प्रकार की वैकेंसीज आती हैं उनके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल वेरिफिकेशन आपका होगा, किसी भी प्रकार के वेरिफिकेशन में दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट है एक्सपीरियंस बनवा कर रखें, जैसे वैकेंसी स्टार्ट होती हैं अपना अप्लाई ज़रूर करें। जो भी कैंडिडेट इग्लेबल हैं इस प्रकार की वैकेंसीज के लिए, जो भी कैंडिडेट इससे संबंधित किसी प्रकार की आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।